भाजपा के घटक दल आजसू के कार्यकर्ता चतरा में भाजपा प्रत्याशी से नाराज। आजसू के केंद्रीय महासचिव पारस सिंह 5 घंटा मैराथन बैठक कार्यकर्ताओं को समझाने में जुटे। कार्यकर्ताओं ने महासचिव से कहा, मान सम्मान में ठेस बर्दाश्त नहीं होगा, चतरा के लोकसभा चुनाव से खुद को कर सकते हैं किनारा। बता दें कि झारखंड में आजसू पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ रही है। पूरे झारखंड में आजसू और भाजपा कार्यकर्ता एक साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश में पुनः नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं बता दें कि सूत्रों से पता चला है कि चतरा में आजसू के कार्यकर्ता चतरा लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी से नाराज नजर आ रहे हैं, जिसे मनाने को लेकर केंद्रीय महासचिव पारस सिंह 5 घंटा मैराथन बैठक कर समझाने में जुटे रहे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनकी बात मानकर 2 दिनों का समय दिया है। बैठक के बीच पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय महासचिव ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। बैठक चल रहा है किस चीज़ का? सबसे पहले तो आप लोग को चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज लोकसभा स्तरीय चतरा के एक बैठक रखा गया, जिसमें हम अपना पार्टी के कार्यकर्ता को NDA प्रत्याशी और आदरणीय सुरेश कुमार महतो जी के दिशा निर्देश पर हम लोग को चुनाव जिताकर किसी भी सूरत में नरेंद्र मोदी जी के हाथ में मजबूत करना है। इसके लिए हम लोग को अपना ये बैठक रखा गया, जाके अपना बूथ मजबूत करें, तन मन लगे काम करें। आंसू तो कहीं किसी के नज़रिया में नहीं, लेकिन आंसू पार्टी, आंसू के कैडर, आंसू के पदाधिकारी हम जानते हैं कि हम आंसू से शुरू में से रहे आज बहुत दिनों से। मुझे मालूम है कहीं दूसरे के नज़रिया में नहीं है, लेकिन मेरे नज़र में और आम लोग के नज़र में आंसू है। गठबंधन में जो भी चल रहा है, झंडा बैनर नहीं लगवा वो तो बात हम लोग को चुनाव संचालन समिति को जिला लेवल पर बैठाना था भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हम लोग के साथ बैठक नहीं किया। लेकिन आज उस पर चर्चा होगी, क्योंकि सभी प्रखंड और सभी पदाधिकारी अगर नहीं भी लगता तो अपने से जाके झंडा। अच्छा, प्रधानमंत्री ने आंसू पार्टी वहाँ तो एयरपोर्ट पे अशोक गहलोत हमारे केंद्रीय महासचिव अशोक गहलोत जी वहाँ स्वागत में थे, मंच पे हमारा था, स्टेज पे हम खुद ही थे, लेकिन समय के नहीं रहने के चलते हम लोग को मतलब वक्ता में समय नहीं दे पाए। नहीं नहीं, गलत बात, भारतीय जनता पार्टी की सोच गलत है, अगर वो सोचेगा तो गलत है, लेकिन मैं अपने आप में इतना मजबूत हूँ कि मैं भाजपा से कम नहीं।